थाने की डोंबिवली से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल इस स्कूल में जो हुआ वो होश उड़ाने वाला है। यहाँ ऐसे जोनली विद्या मंदिर स्कूल के एक टीचर द्वारा 25 से 30 बच्चों को लकड़ी और स्टील की स्केल से बेरहमी से पीटने की घटना घटी है। जी हाँ, टीचर ने इतनी बेरहमी से मारा है कि पिटाई से बच्चे घायल हो गए हैं। इस घटना को लेकर स्कूल के खिलाफ कड़ा गुस्सा जताया जा रहा है। टीचर को तत्काल ही निलंबित कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक टीचर का नाम नीलम भरमाल है। ये बात सामने आई है कि उसने क्लास 5 और 6 के छात्रों की बेरहमी से पिटाई की है। बच्चों को इतना बेरहमी से मारा गया है कि इस मार के निशान उनके पूरे शरीर पर बन गए हैं। चौंकाने वाली बात ये भी है कि इस महिला ने कुछ दिन पहले ही स्कूल में बतौर टीचर ज्वाइन किया था। 3 दिन पहले स्कूल में शिकायत की गई थी कि ये टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रही है। माता पिता का आरोप है कि उसने गुस्से में आकर ऐसा किया होगा। स्थानीय मनसे और शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ अभिभावकों ने स्कूल पर धावा बोल दिया और प्रिंसिपल से इस बात पर जवाब मांगा। स्कूल प्रशासन ने इसके लिए माफी मांगी। इस घटना से स्कूल प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। उसने बच्चों को जो सजा दी वो बहुत गलत है। फिलहाल इस घटना से डोंबिवली में हड़कंप मचा हुआ है। लास्ट पीरियड में ही मालूम पड़ा, क्योंकि वो एक टीचर लेके आई थी, सुमन टीचर बोलके उनका, वो लेके आई थी, ये बच्चों का कान का नीचे मारा है। फिर मैंने क्लास में गई थी, उनका क्लास में गई थी, मैं उनको बच्चों को भी बोला था ये टीचर को हम लोग निकाल देंगे, मीन्स दो बार वार्निंग देंगे, निकाल देंगे बच्चों को मैंने बोला था। और वो उसमें वो दूसरे क्लास में थी, तुरंत मैंने मेरा भी कल ही उन लोग बोला, हम लोग ने बोला, हम दोनों ने मिलके उसको निकाल देने का, डिसमिस करने का फैसला लिया। मैं सिर्फ माफ़ी मांगना चाहती है, हम लोग ने गलत दिशा से टीचर ने अपॉइंट किया। वो एक्चुअली उसका डीएड वगैरह उसका वो देख के ही हम लोग ने अपॉइंट किया था, डीएड था वो, सब था। उसका नाम नीलम परमल है उनका नाम। हाँ, उनको ये किया। सब पेरेंट्स को मैं माफ़ी, अपना संस्था का तरफ से माफ़ी मांगना चाहती है।